काका का सांड हो गया, भैंस ने गोबर कर लिया, उसे जाकर उठा दे जा। तू क्या गम खाया पऊ है, मेरे साथ चल, भैंस ने लात मार दी तो। अरे मरने जाएगा तू, तू तो खुद भैंस के बराबर मोटा। अरे कैसे लड़ रहे हो, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। और हाँ एक बात सुन लियो, मैं अपने साड़ों के यहाँ जा रहा हूँ, ढोरों को नहीं आ टाइम से पहले गेर। अरे भाई कैसे उदास है तू। अरे भाई क्या बताऊं तुझे, जहाँ पहले मैं नौकरी करता था ना, पहले मैं नौकरी करता था वहाँ से मेरी नौकरी भी छूट गई, और तुझे तो पता है मम्मी डैडी के खत्म होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। चल भाई तू टेंशन ना ले, देखते हैं फिर कोई नौकरी। अरे अंकल जी। अरे क्या हुआ अंकल जी? कुछ नहीं बेटा। काफी परेशान लग रहे हो। हाँ परेशान तो हूँ यार, ये चैन नहीं चल रही है। अरे हटो अंकल जी, आपकी साइकिल की चैन मैं चढ़ा देता हूँ। लो अंकल जी आपकी साइकिल की चैन चढ़ गई। कहाँ रहते हो बेटा, आज से पहले तो नहीं देखा। अंकल जी मैं रचैटे का हूँ। रचैटा? रचैटे में किसके लड़के हो? सुमित का लड़का हूँ रचैटे में। सुमित? सुमित तो हमारा बहुत खास आदमी है। अरे बेटा इधर कहाँ जा रहे? अंकल जी काम की तलाश में जा रहे थे, कोई काम मिल जाए तो। एक काम करना, कल तुम मुझसे आके मिलो। अंकल जी आपका घर कहाँ पे है? ओबरी में, किसी से ही पूछ लेना, प्रधान के घर जाए। लगता है भाई अब काम मिल ही जाएगा। मुझे भी लगता है। वो तो फिर घर चलते हैं। आज तो यार दारू पीने के लिए भी पैसे नहीं है। देख आ गया मुर्गा। चल बे देखा इसमें क्या। मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई यहाँ आना। भैया हमें प्रधान के घर जाना, प्रधान का घर बता दो। प्रधान का घर तो गांव के बीच में है, थोड़ी सी आगे जाओगे ना तो पतली सी गली होगी, सब में लास्ट वाला घर प्रधान का ही है। ठीक है भाई। काफी गाड़ियां गई हैं, लगता है काफी अमीर लग रहे हैं। हाँ क्या बात है, पैसे खुले नहीं है, बाद में आना। इन सबको भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें प्रधान जी से मिलना है। अच्छा आओ अंदर आओ। पूजा का फोन। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। अच्छा, हाँ कहाँ आ गई तू?
अभी किसी को भेजता हूँ मैं। अरे बेटा आ गए तुम। नमस्ते। नमस्ते। बैठो 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 बैठो। अंकल जी आपने बोला था कल घर पे आ जाना, लो हम आ गए। क्या अब हमें काम मिल जाएगा? बेटा फिलहाल मुझे एक लड़के की जरूरत है। ठीक है भाई तू कर ले, तेरे घर पे बहुत परेशानी है, मैं चलता हूँ। बेटा काम सुन लो, खेती बाड़ी का भी काम करना है, ट्रैक्टर चला लेते हो? हाँ अंकल जी चला लेता हूँ। अरे इधर आ, विक्की कहाँ है? पता नहीं, वो बोल कर गया था 4-5 दिन के बाद आऊंगा। अरे तो पूजा को लेकर कौन आएगा? बेटा तुझसे गाड़ी चला ले। हाँ अंकल जी चला लेता हूँ। ले अड्डे पे पूजा आने वाली होगी, उसको लेकर आ बेटा। ठीक है अंकल जी। अबे निठल्लो, ये लड़का आज ही आया और काम पे लग गया, और तुम दोनों मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्रधान जी हम इसलिए बैठे रहते हैं, हम देखते हैं आप पैसा कहाँ से कमाते हो, ठाली ठाली में तुमने पेट तो बढ़ा लिया। अरे यार जूते भी एक जगह नहीं रख सकते ये लोग। अपने मालिक को देख रहा है, पेट तो इतना मोटा कर लिया खा खा के। ये पूरा सांड, इसका भी कुछ इलाज करेंगे। पूछ क्या क्या चाय में जमाल खोटे में ला के दे देंगे। अंकल जी कितने पैसे हुए? साला आज तो खर्चे के लिए भी पैसे खत्म हो गए। वो देख चले फिर। अबे ये तो सकल से ही भिखारी लग रही है। पापा ने अभी तक नहीं भेजा किसी को भी। अर्जुन वो देख तेरा बचपन का प्यार। क्या बात है, मैं तो 5 साल से इंतजार कर रहा था। भाभी तो जवान होकर आई है। अब काटेंगे गांव में हंगामा। शायद आप पूजा हो क्या? हाँ तुम्हें पापा ने भेजा है। हाँ अब बैठे बैठे मेरा मुंह देखते रहोगे? सामान उठाओ मेरा। अरे ये दोनों कौन है जो तुम्हारे बारे में इतना गलत कमेंट कर रहे हैं? ये दोनों हमारे गांव के छठे हुए हरामी हैं। लो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, इसे पकड़ो। पूजा दीदी आ गई, आप लाओ इस सामान को, मैं उठा लेता हूँ। अरे इतना वजन, ईंट पत्थर भर रखे हैं क्या इसमें? हाँ चौधरी साहब। अरे अरे मेरी बात हो गई है ऐसा साहब से, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ बेफिक्र होकर अपने घर पर रहो, टेंशन मत लो जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। तो चलो बाद में बात करता हूँ, बैठो बेटे। और सफर कैसा रहा तुम्हारा? सफर तो सही रहा पापा, मगर मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं आराम कर लेती हूँ। चलो तुम बेटा आराम कर लो जाके। ठीक है। लो अंकल जी चाबी। अच्छा एक काम करो, उधर ट्यूबवेल की चाबी रखी है,
वहाँ से उठा लेना और ट्यूबवेल चला देना और शाम तक तुम्हें वहाँ पे ही रहना है। ठीक है अंकल जी, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अरे यार सूरज भी इतनी तेज निकल लिया है। अबे यार लाइट भी ना रही दिखे, इतना हटी नक्के बंद करके आता हूँ। और भाई कैसा है? अरे भाई तू, मैं बढ़िया, तू बता। मैं भी ठीक हूँ यार, और क्या चल रहा? और यहाँ कैसे आया था? बस आया था नहाने के लिए। अरे मैं तो काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ यार, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही क्या? अरे भाई इतने लाइट आ गई, चल यहाँ बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। चल ठीक है बैठ जाते हैं। और भाई तूने काम कब लगा लिया था? मेरा काम तो उसी दिन लग गया था कंपनी में। बहुत बढ़िया काम है, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। और तू बता? अपना तो सब ठीक है भाई। और भाई लाइट कब से नहीं आ रही? अरे यार मेरे आने से पहले भागी थी लाइट। चलो कर लेते हैं कुछ देर का वेट। तू भाई एक मिनट यहाँ ही बैठ, वहाँ बच्चे हैं गेट में, मैं उन्हें मार के आता हूँ। रुक जाओ, मैं अभी
बताऊंगा, हर बात नुकसान करने में बोले रहते हो। अरे भाई बहुत मस्ती सी कर रहा है, लगता है यार लाइट में कुछ खराबी हो गई। हाँ यार भाई तू मेरा एक काम करेगा? बता यार भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। यार ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तू मेरे घर दे देना। लाओ ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। शादी में चाहिए हमें पैसे, घर वाला प्लॉट है हमारा, उसे दिखवा लेते हैं। ये सोच रहे हैं मुझसे। अभी हमारा एक लड़का आएगा, मैं उससे बोल दूंगा, वो तुम्हारा जमीन और प्लॉट भी देख लेगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं इस गांव में हूँ। आ गया बेटा? हाँ अंकल जी। अंकल जी जब से मैं गया हूँ बिल्कुल लाइट नहीं आई। अंकल जी मुझे बाजार जाना था, कुछ काम है। चला जा बेटा, टाइम से आ रहा। तू बाजार जा रहा हूँ। मार्केट तो मुझे भी जाना था। तो मैं क्या करूँ, चली जाओ। बेटा पूजा को भी साथ ले जाना। ठीक है अंकल जी। अबे पागल है, पानी पत्तों पे डाल लिया, नीचे डाल जमीन में डाल लिया। अगर मालिक साहब ने देख लिया ना, डंडा बहुत तोड़ेंगे, तेरी कार तोड़ देंगे। अरे देख देख कैसे जा रही है इसके साथ। देख रहा हूं मैं, सब कुछ देख रहा हूं। अंकल भी दोगला आदमी है, हम 5 साल तक काम कर रहे हैं, हमारे साथ आज तक न भेजी। तेरे बाप ने कभी मोटरसाइकिल चलाई है? साइकिल चलाने की औकात ना तेरी। मैं मानता हूँ मेरी साइकिल चलाने की औकात नहीं, कम से कम मेरे साथ पैदल तो जा सकती है। नहीं जा सकती? हाँ वो तेरे साथ पैदल जाएंगी घूमने। अंकल से बात होगी, इस बात पर राड़ होगी, आज तक हमारे साथ न गई, ये 2 दिन के लगे साथ जा रही है साथ बैठ के। अबे नलायको क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? अंकल जी कुछ नहीं, पानी डाल रहे थे। तुमसे थोड़ा सा काम दिया था तुम्हें, इतना टाइम लगा दिया, एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। जाओ घेर में जाके भैंसों वैसों का गोबर साफ करना। दिन भर खुसर पुसर खुसर पुसर, और कोई काम धंधा नहीं है? बे
चल आजा आजा आजा, साइड में ले ले, यहीं लगा ले, यहीं यहीं यहीं। कौन हो तुम, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? इस दिन का तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। ये क्या बदतमीजी है, हटो हमारे रास्ते से। इस दिन का मुझे बहुत इंतजार था, तेरे घर बारात लेकर आऊंगा 8 दिन के अंदर अंदर। भाभी जी बाजार जा रही हो, बाजार से शादी का सामान भी लेकर आना। तू अभी तक नहीं सुधरा, तू कल भी कुत्ता था और आज भी कुत्ता है। चल गाड़ी चला, ए रास्ते से हट, याद रखना। मैं इधर जा रहा हूँ, और हाँ लूट में यहीं मिलना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँ। ठीक है, मैं यहीं मिलती हूँ, जल्दी आना। चलो तो फिर मैं तुम्हें आज अपने गांव की फेमस लस्सी पिलाता हूँ। हाँ चलो चलो। अरे अंकल जी तो लस्सी लगाना। अंकल जी टेंशन मत ना लो, डॉक्टर ने बोला आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे वो मोहित को फोन लगा दे, मेरा मोबाइल ले, मोहित को फोन लगा दे, पूजा को लेकर आ जाएगा। हेलो मोहित, कहा भाई तू? क्या हुआ? अंकल जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तू पूजा को लेकर जल्दी से घर आ जा। अभी 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ। क्या हुआ? अंकल जी की तबीयत खराब है। अच्छा जल्दी चलो। अरे बेटा आई नहीं पूजा, बाहर जाके देख ले। अंकल जी सब्र करो, मैंने मोहित को फोन कर दिया है, आ जाएगी वो। क्या हुआ पापा तुम्हें अचानक से? बेटा पता नहीं अचानक से सीने में दर्द उठा, डॉक्टर अभी देख के गया है और बोल रहा था चेकअप करा लेना, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती। अंकल जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे हम लोग। अरे बेटा मोहित खेत पे चला जा, कल भी लाइट नहीं आई थी, सारा गन्ना सूख जाएगा अगर पानी नहीं चला तो। चाबी लेकर आ। जा भी चाबी लेकर आ। भुला दे, अंकल जी की टांग रखी है मेरे ऊपर। ये सबसे छोटा बड़ा ही खोटा, किसी काम को नहीं सुनता है ये। एक्चुअली पापा मैं भी खेतों पे चली जाऊं, आई थिंक मेरा बहुत मन कर रहा है खेतों पे घूमने के लिए। चली जा बेटा, मगर यहाँ का माहौल सही नहीं है, कपड़े चेंज करने हैं। अंकल जी मैं भी दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ। पानी लेके आ बेटा।
इस बुड्ढे को और कुछ काम ना, हर बात कौन बताता रहा है। तुम इतने यहाँ बैठो, मैं वहां जाके नक्के सिर का आता हूँ। मोहित कहाँ है? मोहित उधर है, बैठो। मोहित भाई, तेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ। क्या हुआ भाई? उसके अचानक से सीने में दर्द उठा था, डॉक्टर ने बोला 20,000 रुपए की जरूरत है। 20,000 रुपए? कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ मोहित? पूजा, मेरी बहन हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने 20,000 रुपए के लिए बोला है, मेरी बहन का ऑपरेशन होगा। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? रिलैक्स मोहित, रिलैक्स। पूजा, मेरी बहन मर जाएगी ना। मोहित, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बहन तो क्या, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। अपना अकाउंट नंबर दो। मैंने पैसे डाल दिए। भाई तू जल्दी जा और ख्याल रखना बहन का। ठीक है भाई, मैं चलता। कुछ नहीं होना चाहिए उसको, साथ रहना तू। पूजा, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी बहन शायद इस दुनिया में नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, सबका मालिक एक ही है और वो है ऊपर वाला। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तेरे घर पर कौन कौन है? अच्छा मेरे बारे में, मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। घर में दो बहनें, एक छोटा भाई है। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। मोहित तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। पूजा ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ मोहित, मुझे तुमसे प्यार हो गया। पूजा ये सब बेकार की बात है, और मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं अपने पापा से बात कर लूंगी, शादी करोगे मुझसे? पूजा तुम ये मत भूलो मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। अरे बेटा इधर आओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लाइट नहीं आई क्या? अंकल जी मैं पूजा को छोड़ना आया। पापा इसकी बहन की तबीयत खराब है, इसको पैसे दे दो। बेटा कितने पैसों की जरूरत? अंकल जी पैसों का इंतजाम तो हो गया। अच्छा बेटा जाओ खेत पर ट्यूबवेल चला। ठीक है अंकल जी। पापा मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोलो क्या बात है? पापा वो मुझे मोहित से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शट अप।
अपनी जबान को बंद कर। मैंने विदेश इसलिए पढ़ने भेजा था, क्या तुम मुझसे ऐसी बातें कर? तुम कौन से जमाने में जी रहे हो पापा? मैंने फैसला कर लिया, मैं मोहित से ही शादी करूंगी। चुप हो जा। चलो दीदी अंदर चलो, अंकल जी को हम समझा देंगे। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। आज इसकी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना नसीब नहीं होता। मोहित अभी घर को आ। अंकल जी क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? हरामखोर, मैंने तुझे अपने दिल में जगह दी और तूने मुझे उसका सिला ये दिया क्या? अरे अंकल जी मेरी बात तो सुनो। अब भी सुनने को कुछ रह गया क्या? अंकल जी मेरी बात तो सुनो। चल निकल मेरे घर से। अरे अंकल जी मेरी बात तो सुन लेते यार, अब कहाँ जाऊंगा मैं? जिसे दिल में जगह दी उसी ने ही दबा ये है जमीन। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। क्यों ऐसा क्या हुआ? ये क्या काम है? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई? या मैंने तुम्हें नौकरी से आजाद करा दिया? आजाद नहीं किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम गलत सोच रहे हो मोहित। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। I'm really sorry मोहित, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मोहित सुनो प्लीज, मोहित कल तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। पूजा आई लव यू। मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं। छोड़ के सारी दुनिया हम तुम पे मरते हैं। मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं। और जान गई और हम पे क्या ठहरा, हम पे क्या ठहरा।
हाथों लगा दिया पहरा, लगा दिया पहरा। तोड़ के सारे बंधन, तोड़ के सारे बंधन, हम तुम जो मिलते हैं मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं। रूठ के जाना किधर चली तुम मान लो ये कहना, तुम मान लो ये कहना। तेरे बिन मैं जी न पाऊं मुश्किल है सहना, मुश्किल है सहना। बात सुनो ना मेरी, बात सुनो ना मेरी, हम तुम पे मरते हैं मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते हैं। रूठ के तेरा मान जाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जुदा न हो एक पल को भी हम दिल ये कहता है, दिल ये कहता है। सच्चे प्रेमी दिल पे, सच्चे प्रेमी दिल पे कितने जुल्म भी सहते हैं, मोहब्बत हम तुमसे करते 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 हैं। बहुत हो गया नाच गाना भाभी जी, चले आप, भैया जी बुला रहे हैं। ए चला है, सुबह शाम जिम करता हूँ। इसे रखी लो, ये तोड़वाओ इसे भी। जिंदा बचेगी तो आ जाएगी, चल। कौन हो तुम लोग और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? समझाया था तुझे मगर तेरी समझ में नहीं आया। आ, 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 आज अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो शायद वो लोग तुझे मार दे। मुझे पता लगा तेरी नौकरी छूट गई इसकी वजह से। प्लीज मेरे दोस्त का पीछा छोड़ दो। मैं इससे प्यार करती हूँ बस। चल चल गेम खेलेंगे। ये वाली तो रख लो। गेम का नाम बता, कौन सा गेम खेलेगा? कोई सा भी, चल हाथ वाला खेलेंगे। अटकन वटकन इसे तो यहाँ को रख ले। अटकन बटकन लोहे बटोकन, मामा लाए दो कटोरी, एक कटोरी फूट गई, मामा की बहू रूठ गई, मामा की बहू रूठ गई। तू बीच में क्यों बोल लिया? मामा की बहू रूठ गई, मामा गए बाजार, बाजार से आए आलू, पीछे पड़ गया भालू, भालू ने मारी लात, चल पड़ी बारात, बारात रुकी अड्डे पे, बुढ़िया नाची गड्ढे पे। चल तेरा नंबर आया, ये वाला हाथ दे। आपा जन। अबे आराम करो, कोई काम नहीं है तुम्हें? अरे बाबूजी। एक मिनट बैठो यहाँ से। तू इधर आ बे टिंकू, और तू इधर आ बे रिंकू। टिंकू तू इधर आ बे। किधर जा रिया? इधर आ। चल बे टांग दबा।
ओहो बड़ी जोर से खींच रही है पाँव को, संभाल के दबा ले, सिर संभाल के दबाइए। कहाँ चल गया तेरा? सर दबा रहा हूँ। अच्छा मुझे लग रहा गला दबा गया। संभाल कैसे दबा ले? देखो ये टांग तोड़ लिया। अबे ठीक से दबा ले, ठीक से। क्या गिनती गिनने आ क्या? अबे क्या देख रही है? कुछ ना, मोबाइल देख रहा था मैं। दिन भर बस यही काम है तुम्हें, मेरी जेब के पीछे लगे रहो हो। अबे क्या दबा रही है? अंकल गलत दबा, वो सर दबा रहा था मैं। चल संभाल के दबा ले। ठीक है। एक दूसरे की शक्ल कैसे देख रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो। टांग को कैसे कर रिया? संभाल के कर ले। अरे कहाँ चला रिया? कहीं नहीं अंकल, वो आपके पैसे गिर रहे थे ना, वो देख रहा था। कोई काम धाम होता नहीं है सही से। अरे टांग को क्या तोड़ेगा? अरे वो कान में मक्खी पड़ गई थी आपके। अरे अरे तू सिर दबा यार, मक्खी का मत देख तू। तोड़ दे इस टांग को और बैसाखी ला दे मेरे हाथ में। हेलो मोहित, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम हमारे ट्वेल पर जल्दी से आ जाओ। मेरे दोस्त को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आ जाओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने, किसी को भी पता नहीं चलेगा, जल्दी आ जाओ। ठीक है आता हूँ। आई लव यू। सेम टू यू। बोल क्या बात थी, क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया? आओ चलो घूमते। Thank you.
तुझसे मना किया था मिलने को, नहीं माना तू? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे प्यार के पीछे क्यों पड़े हो तुम? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैं उस दिन टाइम पर नहीं आता था तो इसे मार देते वो लोग। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या बोलेगा ये, और तुम क्या कर सकते हो इसके लिए? इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। फिर काम दिला दो इसे अपने घर में। चुप हो जा भाई, मेरी 8,000 रुपए की नौकरी है, जिस दिन से तुम्हारे घर से निकाला है भिखारी बन गया ये। मैं इसे अपने घर तो नहीं लगवा सकती, मगर मैं 10,000 रुपए महीने के दूंगी। अब बोलो भाई, तेरी मर्जी, खुद पछताएगा एक दिन। पूजा, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी कभी? जब तक है जान, जिंदगी है तेरे नाम, चल मेरी जान। अरे ओए, इधर आओ। गुप्ता जी के यहां से आके चोपड़ का कट्टा लेके आ जाओ। चलो अभी जाओ, चलो तुम जाओ। इस मोटे अंकल को काम बताने के सिवा और कुछ काम ही नहीं है। इस काम को तू जा, मैं छोड़ के मैंने आ गया। पापा, कॉलेज से फोन आया था, 1,00,000 रुपए जमा होने हैं। ठीक है बेटा, मुझे बैंक जाना पड़ेगा, पैसों के लिए। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई तो सही चल रही है पापा। अंकल जी, दुकान बंद है। चल ठीक है, कोई और काम देख ले जाके, दिन भर घूमते ही रहो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मोहित, मोहित, कहाँ है तू मोहित? मोहित, 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 मोहित। कितना अच्छा लगता है ना जब पूजा मेरे साथ होती है, मैं हमेशा पूजा के साथ रहा करूंगा। क्या हुआ? ओह पूजा, अंकल, अंकल। क्या हुआ पूजा को?
भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं 200 रुपये रोज पे आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे चिंगू मिंगू मुझे छोड़ दो भाई साहब मुझे जान दो, मुझे भाई साहब मुझे छोड़ दो। स्पीड तो इसकी भी बढ़िया। अब चलो भाभी के साथ फेरे तो ले लो। मार देते सबको, मैं मार देती।